बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और टॉपिक हमारा है कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे और उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेट एफ कोई फंक्शन है, उससे मैं इसके बाद आपको जो है डायग्राम बनाकर भी बताऊंगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा ये टॉपिक। लेट एफ एक्स से वाई कोई हमारे पास मैपिंग है, एंड जी ये भी कोई दूसरा फंक्शन है, एफ और जी कोई दो फंक्शन है, एफ पे जो मैपिंग होगी वो एक्स से वाई होगी और जो जी फंक्शन पे मैपिंग होगी वो वाई से जी होगी। बी दी टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एफ एंड जी इज अ फंक्शन गोफ एक्स से जी। हमारे पास जो जी ऑफ एफ बनेगी मैपिंग, वो किधर से बनेगी, एक्स से जी फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायग्राम बनाकर आपको बताऊं, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास ये है जी एक्स, ये हमारे पास है वाई और ये हमारे पास है स्टूडेंट जी। ठीक हो गया, ये तीन है एक्स वाई और जी। अब एक्स से वाई की तरफ मैपिंग हुई हमारे पास, देन वाई से जी की तरफ मैपिंग करनी है बाय डेफिनेशन। पहले एक्स से वाई पे मैपिंग की हमने, उसके बाद जो हमारे पास ये फंक्शन एफ था, एफ फंक्शन की मैपिंग किस पे, एक्स से वाई चले गए। उसके बाद ये फंक्शन जी है, इसकी मैपिंग किधर है, वाई से जी। तो ये फंक्शन जो है ये कंपोजिट कब कहलाएगा, बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ, जब आपकी मैपिंग स्टूडेंट ऐसे जाएगी तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, जी ओ एफ, यानी के कंपोजिट फंक्शन। अब देखते हैं कि हमारे पास ये मैपिंग है, अब स्टूडेंट के माइंड में ना कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये f से g की तरफ गया है, ये f ऑफ g क्यों नहीं हुआ, ये g ऑफ f क्यों है, पहले g क्यों आया है। ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। हमारे पास इधर x के एलिमेंट है जो कि किस पे गए हैं, f फंक्शन पे मैप हुए हैं। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, जब y में जाएगा x का जवाब, तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x। y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है x का। उसके बाद जब नेक्स्ट मैपिंग गई हमारे पास, तब हमारे पास y के एलिमेंट z पर जाएंगे, तब हमारे पास ये होगा z इज इक्वल टू y ऑफ g ऑफ y। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, हमारे पास x के एलिमेंट f पे मैप हुए, तो हमारे पास फंक्शन क्या बना, y फंक्शन इज अ x। जब y के एलिमेंट z में जाएंगे g फंक्शन के साथ, तो z फंक्शन किसका बनेगा, z इज द फंक्शन ऑफ y। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। अब देखिए g ऑफ f कैसे बनेगा, तो हमारे पास y का जवाब क्या था स्टूडेंट, f ऑफ x। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास जो z का जवाब था वो था स्टूडेंट g ऑफ y। अब देखें जो f ऑफ x है और g ऑफ y है हमारे पास, अब ये आप जो g ऑफ f बनेगा आपके पास, z इज इक्वल टू y का क्या जवाब आया आपके पास, f ऑफ x। इस y की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, ये जो y का जवाब था f ऑफ x, इस y की जगह क्या आ गया, f ऑफ x। तो ये क्या बन गया, g ऑफ f ऑफ x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ f, ये कंपोजिट फंक्शन ऐसे बना है। डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये g ऑफ f कंपोजिट फंक्शन, हमने इसको f ऑफ g क्यों नहीं लिखा, g ऑफ f क्यों लिखा है, इस तरह ये स्टूडेंट g ऑफ f बना है। हमारे पास ये दो जवाब थे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, z इज इक्वल टू g ऑफ y, ये मैंने लिखे।
तो z इज इक्वल टू जी ये था और y की जो वैल्यूज थी f ऑफ x ये मैंने y की जगह रिप्लेस कर दी, उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन ये बन गया। अब मैं कुछ चार पांच फंक्शन इस तरह के लिखूंगा कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट कुछ इस तरह से हो f ऑफ g, g ऑफ f या f ऑफ f, g ऑफ g, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लें f ऑफ g ऑफ g, इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ x, ये इक्वल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, f ऑफ g को आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f गोफ इसको आप g ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं, fof f o f इसको आप f ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं, और g o g इसको आप g ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये आपके पास कुछ ये टर्मिनोलॉजीज थी जो यूज़ होंगी इस एक्सरसाइज में। ये अब आपने परेशान नहीं होना, अगर वो आपको कहता है ना ये फाइंड करें तो इसका मतलब यही है, ये फाइंड करना है, अगर वो आपको ये दे दे तो इसका मतलब यही होगा, आपने ये फाइंड आउट करना है, ये आपस में क्या है, सारी इक्वल है। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, वो कहते हैं द रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी बिलो द फंक्शन, उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वो कहते हैं आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फॉग मैंने अभी बताया है, फॉग को आप कैसे लिख सकते हैं, गोफ ये बी पार्ट है इसका, उसके बाद सी पार्ट भी है इसका, फोफ और जो डी पार्ट है इसका वो है जी गो जी ओ जी। तो स्टूडेंट मैंने अभी बताया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ये आपस में इक्वल है। अब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो हमें दिया गया है, वो कहते हैं एक फंक्शन, दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 2x प्लस 1 और जो जी ऑफ एक्स दिया है आपको वो दिया है 3 ओवर x माइनस 1। ये आपको फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इस फर्स्ट पार्ट से आपने ये जो तीन क्वेश्चन आपके, ये चार जूज मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये इसी क्वेश्चन से चारों आपने सोल्व आउट करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को लेकर हम चारों जो आपके पास मैंने पार्ट लिखे हैं इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट पहले हमने ये फाइंड आउट करना है, आप लिख लें फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें मैंने एक सिंपल फंक्शन लिखा था स्टार्ट में, मैंने ना जब एक्सरसाइज आपको करवाई 1.1, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन में जहां जहां आपके पास एक्स था हमने एक्स की वैल्यूज को रिप्लेस किया था, जो कि आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन थी। अब सेम एज इट इज एफ फंक्शन ऑफ अ जी ऑफ एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ किसका है, जी ऑफ एक्स का, इधर था वाई फंक्शन ऑफ एक्स जस्ट, अब इधर जो है ये एफ फंक्शन किसका है, पूरे का पूरा जी ऑफ एक्स का। अब एफ वाले फंक्शन में जहां जहां आपके पास एक्स होगा आपने किसको रिप्लेस करना है, जी ऑफ एक्स को, किस वाले फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में इधर जहां जहां एक्स है आपने किसको रिप्लेस करना है, जी ऑफ एक्स को। तो f वाले फंक्शन में आप जाएं, f ऑफ x है आपके पास, इधर x की जगह क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा x है अब आपके पास, सारे का सारा क्या आ जाएगा, g ऑफ x, तो ये आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू
टू, अब इस एक्स की जगह भी क्या आएगा, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस वन, ये आपके पास इस तरह से मैंने रिप्लेस कर दिया। जिधर जिधर आपके पास x था मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, फंक्शन f में g ऑफ x को। अब मैं इसको मजीद अगर सिंपलीफाई करूं, 2 g ऑफ x का क्या जवाब है, 3 ओवर x माइनस वन। अब g ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे, उसका जवाब जो आपको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, g ऑफ x की जगह आ गया आपके पास 3 ओवर x माइनस वन और प्लस वन। बस इसको अब सिंपलीफाई कर दें आप, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6 ओवर x माइनस वन प्लस वन, इसका मज़ीद अगर आप एलसीएम ले लें x माइनस वन, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वन 6 प्लस, ब्रैकेट को ओपन कर दें, ओवर x माइनस वन, 6 माइनस वन क्या आ गया 5 ओवर x माइनस वन, तो ये आपके पास किसका जवाब आ गया, f ऑफ g ऑफ x या एफ ऑफ जी का। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास इसे, अब इससे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, जो कि हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ को। अब हमने किसको फाइंड करना है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह इजीली समझ आ जाती है, इसको फाइंड करना है। अब g वाले फंक्शन में जहां जहां x है हमने क्या पुट करना है, f ऑफ x को, सिंपल। अब g वाला फंक्शन आपके पास ये है, ये लिख लिया, अब जहां जहां x है मैंने क्या पुट करना है, f ऑफ x को, इस x की जगह f ऑफ x आ गया इज इक्वल टू 3 ओवर, अब इसमें भी x है, इस x की जगह क्या आएगा, f ऑफ x माइनस वन। तो अब f ऑफ x की वैल्यूज रिप्लेस कर दें, f ऑफ x की क्या वैल्यू है स्टूडेंट, 2x प्लस वन, इस f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज आ जाएगी 2x प्लस वन, और ये माइनस वन आपका साथ वैसे ही आ गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास जवाब आ गया, क्या फाइंड आउट हो गया, g ऑफ f ऑफ x आपके पास फाइंड आउट हो गया। बाकी के एज इट इज ही इसी पैटर्न को लेके करने हैं। मैं इन पार्ट को किसी और क्वेश्चन के साथ, एक किसी और क्वेश्चन के साथ कर देता हूं, जैसे कि पार्ट नंबर आप 3 ले लें, मैं पार्ट नंबर 3 करने लगा हूं इन जूस के साथ, ये फर्स्ट पार्ट से मैंने किए थे, अब मैं 3 को करता हूं, 3 जूस है मेरे पास क्वेश्चन, जो आपको इसमें भी आपको दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वन अंडर रूट, और सेकेंड जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है आपके पास वो है स्टूडेंट एक्स स्केयर प्लस वन का होल स्केयर। अब मैं डी पार्ट से करता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले हमने किया है, मैंने अब फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स। चलें हम पहले किसी एक से कर लेते हैं ऊपर वाले से, ताकि आपको ना समझ आ जाए इससे, f ऑफ g ऑफ x से कर लेते हैं। तो अब मैंने f वाले फंक्शन में क्या पुट करना है, g ऑफ x, f वाला फंक्शन कौन सा है, ये है, x की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह g ऑफ x, तो पुट कर दें g ऑफ x वन ओवर अंडर रूट, इस x की जगह क्या पुट करना है, g ऑफ x माइनस वन। अब g ऑफ x का जवाब आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया होता है दो फंक्शन, ये g ऑफ x है, इसकी वैल्यूज क्या है, x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, उस g ऑफ x की जगह आपने ये पूरी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, g ऑफ x x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये साथ में आ गया आपके पास माइनस वन। अब इसका आप स्क्वायर ओपन कर दें, इसका स्केयर ओपन कर दें, ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला, यह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है काफ़ी, ये एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्केयर और माइनस वन, ये अंडर रूट आ गया, ये प्लस का वन ये माइनस का वन कैंसिल हो गया आपके पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वन ओवर एक्स की फोर प्लस टू एक्स स्केयर आपके पास
अंडर रूट के अंदर रह गए। अब ये x की 4 है, ये x की 2 है। अब ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ रही है? x की 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये x की 4 है, इसमें x की 2 भी लाई कर रहा है। तो इन दोनों में से आपने x की 2 को क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है। x की 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया? x की 2 तो कॉमन चला गया, x की 4 था तो x की 2 रह गया, प्लस इधर x की 2 पहले कॉमन चला गया, 2 रह गया इधर, और ये अंडर रूट आपके पास, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास? x। तो ये आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2। ये आपके पास f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, बाकी के जो आप पार्ट है ये ट्राई कर लीजिएगा, ये ऐसे ही करने हैं, जिसमें जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी हो आपने वो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। तो अगर एक और मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ इसका किसी और पार्ट से, हम ये लास्ट वाला देखते हैं अब कैसे करना है। फोर वाला जो हमारे पास है पार्ट, इसमें भी हमें दो फंक्शन गिवन है, 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर, और g ऑफ x जो है इसमें आपके पास वो है 2 ओवर अंडर रूट x, x डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है, क्वेश्चन में इसका कोई इतना नहीं है खास रोल, इसका मतलब यही है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना इसमें जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि चीज़ किस में चली जाती है? अनडिफाइंड में चली जाती है, बस इसका यही मकसद है, बाकी इससे क्वेश्चन में कोई इसका रिलेट नहीं, कोई यूज़ नहीं होगा इसमें। हम इसको करते हैं इस डी पार्ट से, हमने फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को हम इस पार्ट से करते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स यानी कि जी वाले फंक्शन में ही हमने जी ऑफ एक्स को ही रिप्लेस करना है। अब जी वाला एफ फंक्शन को आप भूल जाएं, अब इसमें आप इसका कोई जिक्र नहीं है, जी वाले में जी वाले की ही वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो जी वाला फंक्शन आपके पास ये है, जिधर जिधर इसमें एक्स है आपने क्या पुट करना है? जी ऑफ एक्स को पुट करना है। इस एक्स से क्या आ जाएगा आपके पास? जी ऑफ एक्स। इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का जवाब क्या आपके पास? ये है 2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट आपके पास, इसको आप अलग अलग कर लें, 2 ओवर 2 पे भी अंडर रूट है और एक्स पे एक ये अंडर रूट है, एक ये होल अंडर रूट है, इसको आप इकट्ठा कर लें, अंडर रूट का अंडर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये तीसरी फ्रैक्शन आप ऊपर ले जाएं, थर्ड फ्रैक्शन, और ये अंडर रूट आपके पास वैसे आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 2, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट आपने मज़ीद ट्राई कर लेनी है जो डिफरेंट पार्ट आपके रह गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।